25 सितंबर इंडिया में Redmi 8A लॉन्च होने वाला है, जो एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन होगा, जहां आपको मिलेगा 5000 mAh का बैटरी बैकअप एंड 4GB रैम। एंड इस फोन का प्राइसिंग 5 से 7000 के बीच रहेगा। इसी प्राइस सेगमेंट में Redmi 8A और एक कमल का स्मार्टफोन Infinix Hot 8 का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बन जाता है। इसलिए आज इस वीडियो पे मैं इन दोनों फोन्स की फुल स्पेसिफिकेशन एंड प्राइसिंग वाइज एक इनडेप्थ कंपैरिजन करने वाला हूँ एंड बताने वाला हूँ आपके लिए दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन लेना बेस्ट रहेगा। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना एंड ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Redmi 8A एंड Infinix Hot 8 दोनों फोन्स में आपको पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बैग डिजाइन मिलेगा। Redmi 8A में आपको सिंगल रियर कैमरा सेटअप एंड Hot 8 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप एंड रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। Redmi 8A में 6.2 इंच का 19:5:9 HD+ IPS डिस्प्ले मिलेगा एंड Hot 8 में 6.52 इंच का 19:5:9 HD+ डिस्प्ले मिलता है। एंड दोनों फोन्स में ही आपको वाटर ड्रॉप या फिर ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाएगा। Redmi 8A में Snapdragon 439 octa-core प्रोसेसर मिलता है, जो 12 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है, जहाँ फर्स्ट कोर मिलता है 1.95 GHz Cortex A53 बेस्ड एंड बाकी 6 कोर मिलता है 1.45 GHz Cortex A53 बेस्ड एंड GPU मिलता है Adreno 505। एंड Hot 8 में आपको मिलेगा MediaTek Helio P22 octa-core प्रोसेसर, ये भी 12 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है, जहाँ 8 कोर मिलता है 1.8 GHz Cortex A53 बेस्ड एंड GPU मिलता है पावर VR GE8320। परफॉर्मेंस के मामले में यह पर थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट आपको Redmi 8A पे मिलेगा। Redmi 8A में 2, 3 एंड 4GB 3 RAM वेरिएंट मिलता है एंड स्टोरेज मिलेगा अप टू 64GB एंड Hot 8 में आपको 4GB RAM एंड 64GB इनबिल्ट स्टोरेज मिलता है। बाकी दोनों फोन्स में ही आपको डुअल वोल्टी फेस अनलॉक एंड डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लॉट का सपोर्ट मिल जाएगा। ये दोनों फोन्स एंड्रॉइड 9.0 पर आउट ऑफ द बॉक्स आएगा, लेकिन Redmi 8A पे मिलेगा MIUI 10 का सपोर्ट एंड Hot 8 पे मिलेगा XOS 5.0 का सपोर्ट। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग Redmi 8A में आपको 12 मेगापिक्सल का सिंगल रियर कैमरा सेटअप एंड Hot 8 में आपको 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर एंड QVGA लो लाइट सेंसर मिलेगा। एंड दोनों फोन्स में ही आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। बैटरी बैकअप के मामले में भी यहाँ पर दोनों फोन्स में आपको 5000 mAh का बैटरी बैकअप मिलेगा। Hot 8 का प्राइसिंग रखा गया है 6999 एंड Redmi 8A का प्राइसिंग 5 से 7000 के बीच रहेगा। आपको अगर कम कीमत में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, ह्यूज बैटरी बैकअप एंड 4GB रैम चाहिए तो आपके लिए Infinix Hot 8 बेस्ट रहेगा। एंड आपको अगर Redmi के फोन्स लेना पसंद है तो आप Redmi 8A ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर मेरा रिकमेंडेशन रहेगा Infinix Hot 8। तो भाई आपके लिए इतना ही। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना एंड साथ में ये भी बताना इन दोनों फोन में से आप कौन सा फोन लेना चाहोगे। प्लस इस वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना एंड इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, साथ में उस बेल आइकन को भी दबा देना, जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।